साथियों, बिजली विभाग, रोडवेज विभाग में नई भर्तियों का राजस्थान के युवा इंतजार कर रहे हैं। साथियों, नई भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए रोडवेज विभाग में 5000 से ज्यादा पदों पर और 3200 से ज्यादा पदों पर बिजली विभाग में नई भर्तियों की वहां एक अभ्यर्थना या सूची कह सकते हो वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में भेजी गई थी, लेकिन वित्त विभाग ने वित्तीय स्वीकृति देने से मना कर दिया। रोडवेज विभाग और बिजली विभाग दोनों विभागों को यह कहा है कि आपको अत्यंत आवश्यक जो पद चाहिए ना, उन्हीं पदों पर वित्तीय स्वीकृति आपको मिलेगी, आप वो सूची भेज दीजिए, क्योंकि हमारे पास वित्तीय प्रबंधन इनकी वित्त इतना नहीं है कि हम आपने जितने पद भेजे उन सभी पदों पर वित्तीय स्वीकृति दे सके। तो साथियों, अभी कुछ दिन पहले मेरी बिजली विभाग में जो इस भर्ती को देख रहे उन्होंने अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने पांचों डिस्कॉम से उनको आवश्यक जो पद चाहिए उनसे हमने सूची मांगी है, उनको फोन करके भी कह दिया, लेटर भी जारी कर दिया और फिर वो हमें सूची भेजेंगे और फिर हम वित्त विभाग को भेजेंगे, ये आवश्यक पद है, इसमें वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। कुल मिलाकर है कि यही है कि दोनों विभागों में पदों की संख्या कम की जा रही है, क्योंकि वित्त विभाग ने कह दिया कि मेरे पास इतना वित्त नहीं है, आपको अत्यंत आवश्यक पद है उनकी सूची भेजिए। तो साथियों, बिजली विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी कि हमने पांचों डिस्कॉम से सूचना मांग लिया, उनको फोन कर दिया और आने वाले वीक, मुझे लगता है आने वाले वीक में वो वित्त विभाग को वापस वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजेंगे और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और फिर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। मुझसे जितनी मदद हो रही है, चाहे रोडवेज विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो, जितनी मदद हो रही है मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं। कुछ लोगों ने आपको भ्रमित किया कि वित्तीय स्वीकृति मिल गई जबकि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली, फाइल वापस लौटा गई थी, लेकिन मैंने अधिकारियों से बात की है दोबारा फाइल वापस भेजने के लिए, जिससे जल्द वित्तीय स्वीकृति मिली और जल्द आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं प्रयास करूंगा और कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले वीक में या एक दो दिन में मैं वापस जाकर उन अधिकारियों से मुलाकात करूं, जिससे वो फाइल जल्द जा सके और जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिल सके और जल्द आपका भर्तियों का इंतजार खत्म हो सके। धन्यवाद।